साथियों, मुझे पता है आप लोग और खास करके मीडिया के साथी बार बार सोच रहे होंगे कि मोदी ये लंबा लंबा बोल रहा है, लेकिन बिहार पर भी तो कुछ बोलूं। बिहार पर भी जरा विस्तार से बात करूं। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है, बिहार में विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती हैं, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है, ये बिहार के गौरव की जीत है। ये दिखाता है कि बिहार के जन जन में एनडीए के परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं के प्रति कितना विश्वास है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथियों, मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। बैंक अकाउंट से लेकर बैंक लोन तक, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त जांच से लेकर 6 महीने के अवकाश तक, रसोई को धुएं से मुक्त करना हो या फिर शौचालयों का निर्माण,
एक रुपये में सैनिटरी पैड की सुविधा हो, या हर घर बिजली पहुंचाना हो, या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं।